Hey guys, don't like our terms, Baraka. Go. Your offer is unacceptable. Tarkata will starve. Better half a loaf than none at all. I am under no obligation to allow your tribe on my land. Your land, Shiva. All lands are Shao Kahn's. Do you forget that he favors my people over yours? Need I remind you why? Scorpion from the tournament. Quan Chi's servant. Quan Chi. Oh, subscribe. Again. Auto-subscribe, what? It's what you call the auto-subscribe, okay? Você quer sexo agressivo, ou deixa sua bunda ardendo, ou tá tapa, 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 tapa. Thank you.
क्या हुआ? पेशाब लग गया यार। हाँ यार हमको भी लग गया। चलो चलो मुझ के आते। चलो सर। देखते रहे बे, चल अपना काम कर। Of citrus and fizz, taste the zest of the zing. With my fam, with my homies, mix with friends, mix with peeps, mix with drinks, we can mix new flavors with Sam McHard Seltzer. Let's mix it up.
अबे लुई तो इनोस तो दिए एक पक्षी है रेवन बाज के कंधे पे जाकर बैठ जाता है और बाज शाहीन पक्षियों का राजा है। शाहीन शेर के मुंह से गोश निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाकर ये रेवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। रेवन को भागना पड़ता। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ इतनी बढ़ की जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते। दुनिया में जितने भी महान स्पीकर्स हैं उनकी बोली हर एक बात इतनी ज्यादा जादुई लगती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की तरह बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। ओरिजिनलिटी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमारे को हमारे से अच्छा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने से डरते हैं। चैपमैन यूनिवर्सिटी का एक सर्वे बताता है कि लोगों का सबसे कॉमन फियर है पब्लिक स्पीकिंग। मुझे याद है 11th या 12th की बात है और हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी। फ्लेमिंगो या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड जो भी हमारी उस टाइम पे बुक होती थी वो हम रीड कर रहे थे और बारी बारी सबको खड़ा करा जा रहा था एक एक चैप्टर रीड करने के लिए। और मैं छुपने की कोशिश कर रहा था कि मैम मेरे को ना देखे और मेरे को ना बोले कि सौरभ चैप्टर रीड करो। बट ऑफ कोर्स जितना आप छुपने की कोशिश करते हो उतना ही आप नज़र में आते हो। तो मैम ने मेरे को देखा और मैम ने बोला कि सौरभ उठो और रीड करो चैप्टर। मैं भी डर डर के खड़ा हुआ और मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि मेरा पूरा मुंह पसीने से भरा हुआ था। एंड जस्ट इमेजिन वहाँ पे सीन क्या चल रहा था। मेरे एक हाथ में बुक थी जिसको मैं टूटा टूटा पढ़ रहा हूँ और दूसरे हाथ में मेरे हैंकी जिससे मैं अपना पसीना साफ कर रहा हूँ। और मैम ने भी ये देख लिया कि इसके बस की नहीं है और मैम ने इवेंचुअली मेरे को बहुत जल्दी बिठा दिया। नाउ अगर हम इस चीज़ को डीपली एनालाइज करें तो ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये फियर ऑफ जजमेंट और फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट है कि अगर मैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी समझ पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या न्यू अपडेट आया है। सबसे पहले यहां पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भी प्रधानमंत्री का आवास योजना का लाभार्थी हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब उनका इंतजार खत्म हुआ। इन राज्यों में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रधानमंत्री यहां पे ऐलान कर चुके हैं राज्यों में सबसे पहले आवास योजना का काम चलेगा। तो दोस्तों आप किस स्टेट से हैं अपना स्टेट इस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले किन किन स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चलेगा। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के रिलेटेड आपको हर एक वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं Thank you.
Sidang Sambut, Bapak Pendeta Hari Sulaiman, Kepala Sidang GPGI Immanuel Desa Soberjo, Kademangan Blitar. Puji Tuhan semuanya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saya melihat kalian, saya jadi kepingin jadi muda lagi. Ya, bisa secakap kalian, secantik semuanya. Bagi istri saya, tentu saya tidak punya cantik, bukan? Ya, puji Tuhan, sangat menyenangkan bisa bertemu di tempat ini. Izinkan saya ya memanggil kalian anak-anak, boleh? Aduh, boleh? Nah, anak-anak, kita dibawa kepada satu acara yang sangat baik, sangat indah, sangat tepat di usia kita masih muda. Terpapar tulisan, seminar pemantapan, minat dan bakat. Tentu kita sepaham, bukan? Minat itu artinya hasrat, keinginan. Boleh kan saya ambil kata yang lain, bagian dari cita-cita. Ada satu loh Bapak Presiden, mantan Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, dia berkata demikian, anak. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Minat. Bahkan ada satu cendekiawan yang berkata demikian, jangan takut bermimpi jadi orang besar. Jangan takut bermimpi jadi orang besar. Sebab itu bagian dari minat. Minat, kerinduan, keinginan, hasrat menjadi orang besar. Ditunggu dengan bakat yang ada. Ada satu pemuda seusia kalian yang semua diremehkan. Gak dianggap apa-apa, kamu masih muda. Bisa apa? Tentu dalam kemudahan engkau, engkau juga punya harga diri, bukan? Tidak ingin harga diriku sebagai orang muda dijatuhkan. Nah, lihat, saya baca 1 Samuel 17 ayat 33. Raja Saul dihadapkan kepada Daud.